दोस्तों कैसे हो? होप सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम राइड पे जाने वाले हैं आफ्टर मेनी डेज। हाँ, तो आज हम जाने वाले हैं विसापुर फोर्ट। करीब 50 किलोमीटर जस्ट अ चिल राइड रहेगी। सनराइज के लिए जाने वाले हैं फोर्ट पे। ट्रैकिंग होगी, थोड़ी बहुत थोड़ी मस्ती होगी। तो व्लॉग देखिए ज़रूर और कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा व्लॉग बनाया है, ताकि हम अपने को खुद को इम्प्रूव कर सकें। और बाकी आज बाकी के राइडर्स तो नहीं है, आज सिर्फ दो राइडर्स है, एक पिलियन भी रहेंगे हमारे साथ। तो हाँ, लेट्स मीट यू ऑन रोड। और गाइस, ज़्यादा रोड की ब्लॉगिंग नहीं की है, मोटर ब्लॉगिंग नहीं की है, बिकॉज अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई भी नहीं देगा कैमरा में। तो जस्ट सीन्स डाले, फिर उसके बाद ट्रैकिंग का सब इंफॉर्मेशन है, उसके बाद देखना ज़रूर ब्लॉग कैसे बनाए, और हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। टिल देन, राइड सेफ, राइड हार्ड, वीडियो ज़रूर देखना पूरा। लेट्स मीट यू ऑन रोड। Hey guys, तो आज की शुरुआत दिख नहीं रहा है, तू दिख रहा। तो आज की शुरुआत एक नए ट्रैक से चल रही है। हम आए विसापुर फोर्ट और हमारे साथ ये है फूड ऑर्डर, एज यू नो वो है हमारे जीजा जी है। आज जीजा जी को पकड़ के लाए, आज जीजू को पकड़ के लाए। Hi guys. तो अभी लाइक 1/4 ट्रैक हो चुका है। थोड़ा भाई कर, और पीछे तो गाइस व्यू पूछो ही मत। अभी अभी धूप निकला है, टाइम हो गया है 7:44। सो गाइज, यू कैन सी द व्यू, वी गॉट अ व्यू गाइज। किसी को इतना मस्त नजारा मेरा ना, उसका दिन एक नंबर है। वो बात तो है, इस नजारे के सामने यू कैन सी
पीपल आर क्लाइमिंग हेवीनेस बहुत है हेवीनेस नहीं हुआ ना तो देखने में मज़ा आता है और अभी ये मौसम में हेवीनेस के अलावा कुछ मिलेगा अभी चलो आगे बढ़ते हैं ब्यूटीफुल सनराइज वैसे सनराइज हो चुका है वो रहा लोहगढ़ वो है लोहगढ़ विसापुर टुंग ये छोटा सा जो है ये टुंग है और यहाँ दूर जो है ये छोटा सा पहाड़ी दिखने में छोटा है बट ट्रैकिंग के लिए अच्छा है वो टिकोना है देन बाकी सब किले आते हैं जैसे कोटलीगढ़ आता है वो साइड वो कोटलीगढ़ है व्यू अच्छा है अ नाइस व्यू ऑफ पवना लेक अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया तो भगवान ने ब्रेक लगा देंगे ऑटोमेटिकली सनकत नीचे सीधा घरों के पास मिलोगे सुबह 4:30 को निकलने का टाइमिंग था हमारे ग्रुप में बोलते ना हर एक राइडर ग्रुप में एक ऐसा राइडर होता है जो हमेशा लेट कर आता है हमारे ग्रुप में ये है जो हमेशा लेट कर आता है 4:30 का टाइमिंग दिया था वैसे हमने डिसाइड किया था रुक बे हाँ वैसे हमने डिसाइड किया था 4 बजे निकलेंगे वो 4:30 हुआ फिर वो 4:30 का 5 हुआ तब भी मैं जल्दी निकला क्योंकि मेरे को पेट्रोल डालना था बाइक में और ये वहाँ से ट्रॉन FZ25 चलाते हुए भी आधा घंटा लेट हुए कुछ नहीं हो सकता इनका तो गाइज अ क्विक अपडेट तब से फोटोग्राफी ही चल रही है बाकी कुछ नहीं और हमारे विकास भाई फूड वॉन्डर AKA फूड वॉन्डर अपने अवतार में आ चुके हैं और ये रहा हमारा एक हमारे साथ नया जॉइनी जब से आया तब से हमारे साथ है ही इज शाय इज गेटिंग शाय शाइनी होने का रे बाबा चलो hey guys, what's up? Been so long. इतनी देर से हमारे वॉन्डरर भैया के पास था अभी हमारे पास आया तो ये रहती है जिंदगी ये देखो इधर ये फोटोग्राफी चल रही है और मेरा व्लॉगिंग चल रहा है तब से उनका व्लॉगिंग चल रहा था मेरा फोटोग्राफी चल रहा था तो अभी हम फोर्ट के एक पॉइंट पे पहुंच चुके हैं लाइक दिस इज द अभी तक एक ही पॉइंट ये अभी एक पॉइंट है फोर्ट का एक कोना ही है ऐसे और कोना बाकी है। दो कोने एक मेन एंट्रेंस है अ क्विक अपडेट गाइज एक्चुअली फोर्ट के स्टार्टिंग में लेफ्ट लेना था हमने राइट ले लिया तो हमें थोड़ा घूम के आना पड़ रहा है हम उल्टी तरफ से आ रहे हैं और ये रहे हमारे गाइड्स खोदा खोदी की चालू है इनकी और गाइज आपके लिए रास्ता ऑलरेडी बनाया रखा है यहाँ पे इन्होंने ऐसे पत्थर लगा लगा के रास्ता बना रखा है तो घूम फिर के हम एक जगह पे आ गए हमारे लोकल गाइड तो हमसे पीछे ही रह गए
चालू ही चालू था, मैंने बंद ही नहीं किया। फाइनली विसापुर किला हो गया है। अप्रोक्स हमें 2 घंटे लगा, 2 घंटे लग गए घूमते घूमते, 2.5 आवर्स। किला अच्छा है बट आई विल प्रेफर टू कम इन मानसून और आफ्टर द मानसून। वैसे हम पूछते हैं हमारे दोस्तों से कि उनको कैसा लगा, तो हमारे सबसे पहले राइडर जो हमारे साथ हमेशा होते हैं उनसे पूछते हैं उन्हें ये किला कैसा लगा। तो क्या ख्याल है? तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब सब बढ़िया है, ट्रैकिंग करने लायक है। मतलब बिगिनर्स के लिए तो ये ट्रैक मतलब सुपीरियर है। बाकी फिर फूड वॉन्डर ने तो जैसे बताया मानसून में बहुत ही अच्छा रहेगा, सीनिक व्यूज है, चारों तरफ तालाब ही तालाब है, मतलब छोटे मोटे। हाँ, किले पे पॉन्ड बहुत है, पॉन्ड पानी के। अभी चल बात करते करते आ गए इधर, इतने में एक पॉन्ड भी आ गया देखो सामने यहाँ पे। अगर आपको बाय रूट नहीं आना, मतलब लाइक बाइक्स से नहीं आना, तो यू कैन ट्रैवल फ्रॉम पुणे स्टेशन, यू कैन लाइक टेक अ लोकल एंड ट्रैवल टू मोरवली। माय इंग्लिश इज वेरी गुड, यू नो माय इंग्लिश इज इंग्लिश, हिज इंग्लिश इज नॉट इंग्लिश। एंड टॉमी सर इज विथ अस from starting beginning, yes he was fighting with monkeys, he and his friend, yes ye aur uska dost tha hamare sath, hamare liye ye kar rahe the, fight kar rahe the, aaya na shuddh hindi kal hindi to main bahut bike se nahi aana, to unhe station se local pakadiye aur local se आप मरौली स्टेशन तक आ सकते हैं। मरौली स्टेशन से आप हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं। हे गाइस, सो अभी हम लोग फोर्ट किला नीचे उतर रहे हैं। एक इमोशनल थिंग हुई हमारे साथ, लाइक जो हमारे टॉमी और शेरू थे वो हमारे साथ नहीं आए नीचे। दैट वॉज इमोशनल, क्या बोलते हैं उसको, बिछड़ना बहुत ही, क्योंकि उन्होंने लाइक पूरा फोर्ट घूमे हमारे साथ, पूरा मतलब पूरा फोर्ट घूमा। बट हमको लगा था वो नीचे आएंगे, लेकिन बट वो लोग नहीं आए हमारे साथ। सो नाउ वी आर हेडिंग बैक। यहाँ पे आगे हमारे फूड वॉन्डरर भाई और हमारे जीजू दोनों हैं। हाँ सो गाइज, वी हैव जस्ट रीच टाउन। अभी जस्ट कम से कम 1 घंटा लगा नीचे आने, 10 बजे हमने नीचे उतरना शुरू किया था वहाँ से कहीं से, तो और अभी नीचे पहुँचे, सब लोग फ्रेश हो रहे अंदर। दिया देर स्ट्रोन एंड बीस्ट लोडेड तो नहीं कह सकते, अनलोडेड है, अभी लोड करेंगे फिर निकलेंगे अभी वापस घर की ओर। और हमारे फूड वॉन्डरर्स सर आ गए। हेलो भाई, तो अभी निकलेंगे, अच्छा लगा, जल्दी ही निकलेंगे, कितना हो गया देखते क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। भूख तो थोड़ी बहुत लगी है, भूख थोड़ी, मेरे को तो भूख बहुत लगी है भाई, हमें तो भूख बहुत लगी है। एंगल वेंगल हम नहीं देखते, घंटा एंगल इधर खाने के वांदे हो रहे हैं, एंगल देखना है। ये रही गाड़ियां, अभी मिलेंगे रोड पे
गोप्रो पे। गोप्रो गरीबों का गोप्रो बोल सकते हैं ना अपन, गरीबों का गोप्रो बोलने को क्या कहते हैं। वेल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, गोप्रो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वैसे यहाँ पे ऑल दो हॉटनेट आके खड़ी है, बट ये हॉटनेट एक नंबर, ये भी एक नंबर है, ये बिल्कुल एक नंबर नहीं है। तो गाइस लाइक हम पहले से ही बहुत थक चुके थे ट्रैकिंग करके, तो व्लॉग रिटर्न का व्लॉग करने का मन नहीं किया, इसलिए हमने सीधा हॉप ऑन टू बाइक्स और सीधा वहाँ से घर पे पहुँच गए। इसलिए आते वक्त का व्लॉग और मोटो व्लॉगिंग कुछ कर नहीं पाए और सबका लाइक एनर्जी डाउन था, तो कैसे जैसे कैसे करते हुए आ गए यहाँ पे, घर पे आके पहुँच गए। और अभी आप हमें आपके व्यूज़ बताइए कमेंट सेक्शन में, ज़रूर कमेंट करना कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग। एंड यस टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल राइड एंड ड्राइव, एज ऑलवेज यू नो राइड सेफ राइड हार्ड राइड एंड ड्राइव, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।